लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी मैको। कादिर और मैको तड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई न आता था, भले आदमी इधर से निकलते झिझकते। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थीं। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थीं। आज ये भीड़ भाड़ देखकर मैको ने कहा, बड़ी भीड़ है, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? ये सब हुर हो जाएंगे, एक भी नहीं टिकेगा। ये लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में उत्तर दिया, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं, ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस न बोलेगी, तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहां बोलती है जहां 4 पैसे मिलते हैं या जहां कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस और शह दे रही है, ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए, मुफ्त में पिएंगे वो अलग। मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों ने बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं, वो कहीं हम लोगों से कसर न निकाले तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा, तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं वो बड़े भारी फकीर हैं, उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यो बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंचे। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चांटे से दिया, ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला, पांचों उंगलियों का रक्त में प्रतिबिंब झलक रहा था। मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए देता हूं, जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। यह कहता हुआ वो मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली, उसकी पांचों उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज किसी गिलानी उसे कभी न हुई थी। वो पांचों उंगलियों के निशान किसी पंचशूल के भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वो खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा कस के एक हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूं उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी न पीऊंगा, एक दूसरा ही काम है। उसने ये बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा न भूल जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया।
कादिर ने कहा, ये तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन सबको कि फिर इधर आने का नाम न लें। कादिर, खुदा ने चाहा तो हम फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मैकू, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों की नानी मरेगी। मैकू, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, ये झड़प के मैदान साफ हो जाएगा। लो जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त ही पिला रहा हूं। मैकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही नहीं था, सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब धंस पड़े। मैकू, मैं तो आज न पीऊंगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मंगवाई है। मैकू, यूं ही? आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू एक क्षण डंडे को तोला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियकड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। न आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाया जाता था। ताड़ी बाजों के नशे हिरन हुए घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके मैकू ने फिर डंडों से आह्वान किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौंद रौंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि एक मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़ी का पूत भी न रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। स्वयं सेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, ये आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मैकू ने दो तीन हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमा कर बाहर निकल गया। कार्तिक ने उसको रोक कर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया अबे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देख कर कहा, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वो न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियरों को मारो, मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचों के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मैकू फिसादी है, लथेड़ है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से
चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून ही पी जाऊंगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भल मनसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर ना आना। यही कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फांके पड़ रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैक उन्हें वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे।